स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में इमेजिन ऑप्टिमाइज रियलाइज। ये हमारा कुकिंग का पहला वीडियो है और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे बनाएंगे मटन मसाला करी। इसके लिए हमने सबसे पहले ये 3 टमाटर ले लिए हैं, अभी हम इसकी प्यूरी बनाएंगे। हमने 6 प्याज ले लिए हैं और ये 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा है जिसको हमने छोटा छोटा काट लिया है। ये 2 लहसुन की गांठ थी जिनको हमने छील लिया है। ये हमने आधा किलो मटन ले लिया है। मसाले में हमने 2 बड़ी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 6 छोटी इलायची, 15 दाने काली मिर्च के, तेज़पत्ते हमने 2 ले लिए हैं, लाल मिर्च हमने ले ली है सूखी 4, आप अगर तेज़ खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, जावित्री थोड़ी सी, जावित्री ज़्यादा ना डालें, ये ज़्यादा डालने से कड़वा हो जाता है, 4-5 दाने हमने लौंग के ले लिए हैं और ये जायफल है जिसको हमने कूट लिया है, जायफल भी आप ज़्यादा ना डालें, इसको ज़्यादा डालने से कड़वाहट आ जाती है। फिर इधर हमने मसालों के लिए ये हमने 2 चम्मच धनिया पाउडर ले लिया है, ये 1/2 चम्मच हल्दी है, ये हमने कैच का मीट मसाला 1.5 चम्मच लिया है और ये लाल मिर्च हमने 1 चम्मच ली है। ये हम 1/2 किलो मटन के लिए बना रहे हैं। अगर आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो आप मसाले भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ा दें। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग पहले मटन को धो लेते हैं और टमाटर प्याज लहसुन को बारीक काट लेते हैं और टमाटर की प्यूरी बना लेते हैं। दोस्तों हमने मटन को धो लिया है और प्याज लहसुन और अदरक को बारीक पीस लिया है और टमाटर की भी हमने प्यूरी बना ली है। चलिए अब हम लोग इसका प्रोसेस शुरू करते हैं। हमने कुकर ले लिया है, कुकर में हम जो है मस्टर्ड ऑयल डाल देते हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार डाल दें जितना आप खाते हो। मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद हम इसको गर्म होने देंगे जब तक कि इसमें से धुआं नहीं आ जाता। आप देख सकते हैं इसमें से धुआं आने लगा है। अब हम इसमें सबसे पहले खड़े मसाले डाल लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले आँच धीरी कर देते हैं और सबसे पहले हम तेज़पत्ता डालते हैं। खड़े मसाले डालते हुए आप सावधान रहें, आपके ऊपर ये छिटक कर आ सकते हैं। मेरा सजेशन है कि आप चश्मा पहन के इसको डालें। आप 1.5 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची डाल देते हैं, 6 छोटी इलायची डाल देते हैं, जावित्री, इसके अलावा लौंग, काली मिर्च डाल देते हैं और इन मसालों को होने देते हैं। हमने इसमें सूखी लाल मिर्च अभी नहीं डाली है, वो हम बाद में डालेंगे। ये मसाले जब हो जाएं तो आप इसमें ये जो हमने प्याज लहसुन और अदरक को बारीक काटा था उसको आप डाल दें। आँच धीरे ही रहने आप इसको डालने के बाद आप चला लें और लाइट ब्राउन होने तक इसको धीमी आंच पर रखें। आप देख सकते हैं कि ये प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट जो हमने बारीक कटा हुआ डाला था ये जो है ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देते हैं। टमाटर की प्यूरी डालने के साथ ही हम इसमें मसाले भी डाल देते हैं। ये हमारा 1.5 चम्मच मीट मसाला था, ये हमारा 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर था, ये 1/2 चम्मच हल्दी का और ये 1 चम्मच लाल मिर्च, और इसी के साथ हम नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। मैंने 1 बड़ा चम्मच नमक का ले लिया। अब इस मिक्सचर को हम तब तक पकाएंगे, धीमी आंच पे पकाएंगे, तब तक पकाएंगे जब तक कि तेल ऊपर नहीं आ जाता। थोड़ा सा हम इसको ढक देंगे, 10 मिनट तक हम ढक के इसे धीमी आंच पे पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम 10 मिनट बाद इसका ढक्कन हटाते हैं। हम देख सकते हैं कि इसमें जो तेल है वो ऊपर आ चुका है, यानी ये हमारा मसाला पक चुका है। अब हम इसमें मटन डाल देते हैं। मटन डालने के बाद हम आँच
और इसी के साथ जो सूखी लाल मिर्च हमारी थी वो हम इसमें डाल देते हैं। आँच तेज करके अब हम इसको थोड़ा चलाएंगे 10 मिनट तक, हाई फ्लेम तक कुकिंग करेंगे। आप देख सकते हैं हमने 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे कुकिंग की है, तो मटन जो था उसने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम इसमें जो है इसको बंद कर देंगे और इसमें हम एक गिलास पानी डालेंगे। एक गिलास पानी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और हम इसको फिर बंद कर देंगे। बंद करने के बाद धीमी आंच पे हम इसे आधे घंटे तक पकाएंगे। आधा घंटा हो चुका है और हमने गैस बंद कर दी थी। अब उसके बाद ये 15 मिनट अपनी आंच में पका है और अब जब कुकर ने पूरी तरीके से ओके कर दिया है तब हम इसको खोलने जा रहे हैं। अब हम इसको खोल के देखते हैं कि ये कैसा पका है। आप देख सकते हैं कि ये जो है पक चुका है, पीसेस गल चुके हैं आपके। अब हम इसको जल्दी जल्दी से ट्रांसफ़र कर लेते हैं और धनिया से गार्निश करते हैं। हमारी ये मटन मसाला करी तैयार है, अब आप इसका आनंद ले सकते हैं। आप इस रेसिपी को घर पे ट्राई करिए और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी अनोखी रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहे।